हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को सही से मैनेज करने के लिए जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिक ब्रांडर्स को बुलाया था, और उन्होंने काफ़ी सारे जो मेथड्स हैं वो सजेस्ट किए ताकि इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो एक मेथड था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, जिसके मुताबिक जंगलों में जो अलग अलग तरीके के स्पीशीज लगे हुए हैं, पेड़ अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, उनको काट देना चाहिए और सभी जंगलों में सिर्फ एक तरीके के जो पेड़ हैं वो भी वो वाले पेड़ जो इनको लकड़ी के लिए चाहिए, वो वाले पेड़ जो हैं वो लाइन में एकदम सीधी लाइंस में वो लगा देने चाहिए, और हर साल ऐसा करना चाहिए कि मतलब पूरे जंगल का कुछ हिस्सा हर साल काटना चाहिए और वहाँ पे इनके साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के हिसाब से जंगल लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ताकि कुछ टाइम बाद वो जो पेड़ हैं वो बड़े उग जाएं और फिर ये लोग उसे अपने इस्तेमाल में ले लें। और उसके बाद इन्होंने एक एक्ट भी लाया था, फॉरेस्ट एक्ट 1865 में, और जिसको दो बार अमेंड भी किया गया। अब हमें ये देखना है इस सेक्शन में कि इन सभी चीज़ों का आम आदमी की लाइफ पे क्या असर हो रहा था। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। अब जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं या जो जंगलों के आसपास के गांव में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के हिसाब से एक अच्छा फॉरेस्ट क्या होता है वो डेट्रिक ब्रांडर्स के अच्छे फॉरेस्ट से काफ़ी अलग था। विलेजर्स वॉन्टेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पेसेस टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फॉडर, लीव्स। अब जो विलेजर्स थे, फॉरेस्टर्स थे, वो ये चाहते थे कि जंगलों में अलग अलग तरीके के पेड़ों का मिक्सचर हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि पूरे जंगल में सिर्फ एक ही तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, बल्कि वो ऐसा चाहते थे कि पूरे जंगल में अलग अलग तरीके के पेड़ हों ताकि उनकी जो अलग अलग ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। जैसे फ्यूल की, कि कुछ पेड़ जो हैं उनकी लकड़ी अच्छी होती हैं, वो जल्दी गिर जाती हैं, तो उनको वो लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, कि उनकी जो चूल्हे वगैरह हैं वो जलाने में इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ फॉडर की तरह, मतलब कि जो जानवरों को चारा देना होता है वो सारी चीज़ें उन्हें जंगल से मिल जाएं। साथ ही साथ पत्तों का भी इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग जंगलों से लेते हैं और उनके वो अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो लोग ये चाहते थे कि जंगल में सिर्फ एक ही तरीके के पेड़ ना हो, बल्कि वैरायटी हो, ताकि इनकी लाइफ की जो अलग अलग नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड ट्रीज विच वर सूटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो क्या चाहता था कि पूरे जंगलों में एक ही तरीके के पेड़ लगाए जाएं, और वो भी ऐसे पेड़ हों जो कि शिप एंड रेलवेज बनाने के लिए लकड़ियाँ दे सकें, मतलब अच्छी लकड़ी वाले पेड़ हों जिनसे उनके शिप्स एंड रेलवे सही से बन पाए। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, ये लोग चाहते थे कि ऐसे पेड़ जंगलों में हों जो कि हार्ड वुड दे सकें, मतलब मजबूत लकड़ी दे सकें, साथ ही साथ वो पेड़ एकदम स्ट्रेट एंड टॉल हों। अब अगर स्ट्रेट एंड टॉल पेड़ होगा तो उससे क्या होगा कि इनको लकड़ियाँ काटने में, मतलब कि जैसे वुडन प्लैंक चाहिए रेलवे स्लीपर्स के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी पड़ेगी लकड़ी की, उनको सीधे सीधे प्लैंक्स जो हैं ऐसे आराम से कटकर मिल सकते हैं और उनको मैनेज करने में भी आसानी होगी। तो सीधे सीधे पेड़ वो इसलिए चाहते थे ताकि एक ही पेड़ से उन्हें ज़्यादा लकड़ी मिल सके और उनका काम जो है वो आसानी से हो पाए। सो पर्टिकुलर स्पेशीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट डाउन। तो ब्रिटिशर्स एंड ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर स्पीशीज के जो पेड़ हैं, जैसे कि टीक हो गए, साल हो गए, जिनकी लकड़ियां बहुत मजबूत मानी जाती हैं, उनको तो जंगलों में रहने दिया और बाकी जो पेड़ थे उनको कटवा डाला। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मेनी थिंग्स। अब जो लोग जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं, वो बहुत सारे जो जंगलों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूट्स हो गई, मतलब पेड़ों की जड़ें हो गई, मूली, गाजर, ये सब जड़ें ही हैं, और भी अलग अलग तरीके की जो जड़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, फलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स मतलब जैसे आलू वगैरह होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को ट्यूबर्स कहते हैं, तो उनको भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट। जो फल होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, वो खाने में न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस जो हैं वो लोगों को देते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसूनस बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम इन, और स्पेशली जब इनके खेत कटे नहीं होते हार्वेस्ट से पहले, कि इन लोगों ने फसल तो बो दी है बट अभी वो
काटी नहीं गई है, अभी इन लोगों ने हार्वेस्ट नहीं किया है। अब अगर हार्वेस्ट नहीं किया है तो इनके पास अभी खाने के लिए अनाज सही से नहीं होगा। तो कटाई से पहले ये लोग, मतलब जब मानसून वाला टाइम रहता है, कटाई से पहले उस टाइम पे ये लोग स्पेशली फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन, वुड्स फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लाउस, बैम्बू मेक्स एक्सेलेंट फेंसेस एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेलास। अब जो हर्ब्स वगैरह होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको मेडिसिन की तरह, दवाइयों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो लकड़ी होती है उन्हें खेती बाड़ी के लिए अलग अलग जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हल हो गया, योक हो गया, योक मतलब जैसे जो गाय भैंस होती हैं आपने देखा होगा, तो उनके गर्दन पे इस तरीके से एक लकड़ी का फट्टा लगाया जाता है जिससे कि उनके पीछे कोई बैलगाड़ी बांधी जाती है या फिर उनसे हल अटैच किया जाता है। तो ये जो इनके गर्दन पे लकड़ी लगाई जाती है इनको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए, इनको बांधे रखने के लिए, तो वो चीज़ होता है योक। तो इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ किया जाता है। साथ ही साथ जो बैम्बू वगैरह है, बैम्बू बहुत ही अच्छी फेंसिंग का काम करता है कि आपको अगर कहीं पे घेरेबंदी करनी है, इस तरीके से फेंसिंग लगानी है, तो उसमें बैम्बू का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। और बैम्बू जो है वो बास्केट्स वगैरह, टोकरियाँ और छाते बनाने में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉर्ड कैन बी यूज एज अ पोर्टेबल वाटर बोटल। अब जो लौकी वगैरह होती है उसमें क्या होता है कि अगर लौकी को बहुत टाइम तक सूखा रहने दो, मतलब कि उसे सुखा लो, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर से बीज वगैरह अगर हम निकाल लें तो वो एक वाटर बोटल की तरह काम कर सकता है। पोर्टेबल वाटर बोटल मतलब ऐसी वाटर बोटल जिसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से जो गॉड्स हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, मतलब लगभग इनके लाइफ में जितनी भी चीज़ें जो ज़रूरत में आती हैं, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो इन्हें जंगलों से मिल जाती है। लीव्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स। जो पेड़ों की जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं उनको साथ में स्टिच करके, सिल के डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स बनाए जा सकते हैं। द सियादी बोहेनिया वैली क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स। जो ये सियादी होती है जिसको कि बोहेनिया वैली भी कहा जाता है, इस ये क्रीपर है, मतलब कि जो बेल होती है, तो इसको रस्सी बनाने के इस्तेमाल में लिया जाता है। एंड द थॉर्नी बार्क ऑफ द सेमर सिल्क कॉटन ट्री इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स। और जो सेमर है या फिर जो सिल्क कॉटन का पेड़ है उसकी जो छाल होती है वो थोड़ी थॉर्नी होती है, थोड़ी कांटेदार होती है, और उसको वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रेट करने में, जैसे कद्दूकस करते हैं उसको करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री। और अगर तेल चाहिए, मतलब कि लैम्प जलाना है, दिया जलाना है, और खाने में, खाना पकाने के लिए अगर तेल चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं ये लोग, महुआ ट्री का जो फ्रूट है उसको प्रेस करते हैं और उससे तेल निकाल लेते हैं, और फिर उस तेल को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो जंगलों के आसपास या जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी जैसी भी ज़रूरत है, चाहे खाने पीने की हो, चाहे प्लेट्स वगैरह की हो, चाहे तेल की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो अपनी सारी जो ज़रूरतें हैं उसको जंगलों से पूरा कर रही हैं। द फॉरेस्ट एक्ट मेंट सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। अब जैसे ही ये फॉरेस्ट एक्ट आया उसका मतलब क्या था कि जितने भी विलेजर्स हैं, जितने भी इस तरीके से फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डशिप होने वाली थी, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार होने वाला था। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेस, ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इलीगल। अब जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट आया तो उनकी जो भी रोज़मर्रा की एक्टिविटी थी, जो भी वो जंगलों में जाके करते थे, अपने घरों के लिए लकड़ी काटते थे, अपने जानवरों को चराने के लिए जंगलों में ले जाते थे, जंगलों से फ्रूट्स एंड रूट्स को कलेक्ट करते थे, हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे खाने के लिए, फिशिंग वगैरह करते थे, अब ये सारी जो चीज़ें हैं अब वो इलीगल हो चुकी थी। मतलब कि अब अगर कोई इन कामों को करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इफ दे वर कॉट दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। अब हुआ क्या कि अब लोगों को तो ज़रूरत है ही, लोगों को तो घर बनाना ही है तो उसके लिए लकड़ी चाहिए होगी, तो लोगों की ज़रूरतें कम नहीं हुई हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें तो लकड़ी और उन सभी चीज़ों की, फ्रूट्स, ट्यूबर्स और जो भी पत्ते वगैरह हैं उन सबकी ज़रूरत होगी। तो लोग क्या करेंगे, अब वो छुप छुप के जंगलों में जाने लगेंगे, अब वो चोरी करने लगेंगे कि मतलब छुप के
अगर कोई उन्हें लकड़ी लानी है तो कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट गार्ड है वो उन्हें ना देख ले, तो वो चुराने लगेंगे लकड़ी वगैरह। अब होगा क्या कि अगर उन्हें किसी ने पकड़ लिया, अगर उन्हें फॉरेस्ट गार्ड ने पकड़ लिया, तो वो फॉरेस्ट गार्ड की अब दया पे सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर फॉरेस्ट गार्ड जो है उनको छोड़ दे तो ठीक है। कभी कभी वो फॉरेस्ट गार्ड भी क्या करता था, उनसे रिश्वत मांगता था कि तुम इतने पैसे दो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट गार्ड है वो भी इनसे ब्राइब्स लेते थे अगर ये कभी पकड़े जाते थे। वेमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड्स वर स्पेशली वरीड। अब वो औरतें जो कि जंगलों में जाके फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी, मतलब लकड़ियां कलेक्ट करती थी चूल्हे को जलाने के लिए, तो वो अब बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि अगर अब लकड़ी नहीं आ पाएगी जंगलों से तो फिर खाना कैसे पकेगा। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हरास पीपल बाई डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। और जो ये पुलिस कॉन्स्टेबल्स वगैरह थे या जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो भी क्या कर रहे थे, वो लोगों को हरास कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो क्या करते थे कि लोगों से फूड वगैरह डिमांड करते थे कि तुम फ्री में हमें खाना दो तभी हम तुम्हें जंगल से ये चीज़ लाने देंगे, हम जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें नहीं बताएंगे पर तुम हमें फ्री फूड दो। मतलब वो ब्राइब करते थे, वो उनसे ब्राइब डिमांड करते थे कि तुम ये रिश्वत दो। अब रिश्वत चाहे पैसे के फॉर्म में हो, चाहे वो जो भी चीज़ें जंगल से ले जा रहे हैं उसकी फॉर्म में हो, या फिर खाने की फॉर्म में हो। इस तरीके से वो लोग लोगों से रिश्वत मांगते थे ताकि जो लोग हैं वो जंगलों से जो सामान है वो ला सकें। तो जो जंगल इनके कभी खुद के घर हुआ करते थे, जिन पे इनका प्रॉपर तरीके से एक तरीके से कंट्रोल था, अब उन्हीं जंगलों में इन्हें चोरी करनी पड़ रही थी। ऐसी सिचुएशन इनकी हो चुकी थी फॉरेस्ट एक्ट की वजह से। अब यहाँ इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि लोग क्या करते हैं, लोग सुबह सूरज निकलने से पहले जंगलों में जाते हैं महुआ के जो फूल गिरे हुए होते हैं उनको चुनने के लिए। अब जो महुआ के फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, वो एक तरीके से प्रेशियस होते हैं, उनको खाया जा सकता है, उनसे अल्कोहल वगैरह बनाई जा सकती है। और जो महुआ का फ्रूट होता है, जो सीड होता है, उसको ऑयल के लिए यूज़ किया जा सकता है कि उसको पीस के ऑयल निकाला जा सकता है। तो अब जो लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं वो क्या करते हैं, वो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और वो फिर आगे जाके मार्केट वगैरह में बेच देते हैं ताकि उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो ड्राइंग तेंदू लीव्स। तो इस फोटो में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तेंदू लीव्स को ड्राई कर रहे हैं। तेंदू लीव क्या होते हैं, वो वाले लीव्स होते हैं जिससे बीड़ी बनती है। तो ये जो तेंदू लीव हैं इनको बेच के इनको काफ़ी मतलब पैसा मिल जाता है। इनका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जंगलों के आसपास रहने वाले जो कि तेंदू लीव्स उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, कि वो लोग तेंदू लीव को बेचते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं। तो अब ऐसे लोगों की जो लाइफ है वो भी एक तरीके से खत्म सी हो जाएगी, उन पे भी खतरा हो जाएगा कि अब अगर वो जंगलों में नहीं जा पाएंगे तो वो तेंदू लीव कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या होगा कि उनका जिस तरीके से लाइवलीहुड चल रहा था अब वो खतरे में आ जाएगा। तो जो फॉरेस्ट एक्ट है और इनके जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वगैरह वाला सिस्टम था, इसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। एक तरीके से उनके घर उन्हीं से छीने जा रहे थे और इनके ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा था। इवन जो हमारे यहाँ के भी लोग हैं, मान लो कोई फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है, पुलिस कॉन्स्टेबल है, वो भी इन लोगों को परेशान कर रहा था, इनसे रिश्वत मांगता था।